उत्तराखंड में बरसात के दिनों जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग अनचाहे डर में जीने को मजबूर होते हैं। हालांकि इसी बीच कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिनसे आप स्पिरिचुअली और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। ऐसा ही एक वीडियो रुद्रप्रयाग से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे हर हर महादेव। रुद्रप्रयाग में दिखा अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय नजारा। तस्वीरों को देखकर महादेव की भक्ति में खो जाएंगे। ऐसा दृश्य दिखा जो बिरले ही देखने को मिलते हैं। उस दृश्य को देखने के लिए भोलेनाथ के भक्त हमेशा करते हैं इंतजार। अलकनंदा नदी कर रही भगवान शिव का जलाभिषेक। यकीन नहीं होता तो हम जो दिखा रहे हैं उसे देख लीजिए। जी हाँ, वास्तव में ये दृश्य अद्भुत, अद्वितीय और अकल्पनीय है। ऐसी तस्वीरें दिखी जिसे खींचने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बल्कि दिल ने आस्था के साथ अपने कैमरे में कैद कर लिया। देख लीजिए इन तस्वीरों को। मानो अलकनंदा नदी उफान पर इसलिए आई क्योंकि उन्हें इस बार किसी भी कीमत पर महादेव का आशीर्वाद चाहिए था। महादेव की शरण में जाकर एक बार बस छू लेना चाहती हैं। गजब का ये सहयोग बना। ऐसा सहयोग तो कभी कभार आता है जिसे हर कोई देखना चाहेगा। आप भी देख लीजिए किस तरह से अलकनंदा नदी झूमते हुए देवों के देव महादेव के पास आई है। दरअसल चमोली जिले के बद्रीनाथ धाम सहित अन्य क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। रुद्रप्रयाग शहर के बीच से बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच नदी किनारे के सभी घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए। नदी अपने मूल बहाव क्षेत्र से लगभग 15 मीटर दूर बह रही है, लेकिन लोगों के लिए काल बनी अलकनंदा महाकाल के सामने एक ऐसे अवतार में दिखती है मानो बस एक बार महादेव के पास जाकर महसूस करना चाहती है। महादेव का जलाभिषेक करने के लिए वो व्यग्र नजर आ रही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे नदी से लगभग 15 मीटर दूर भगवान शिव की 10 फीट से अधिक ऊंची मूर्ति है और नदी का पानी इस मूर्ति के गले तक पहुंच चुका है। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसकी भी नजर जा रही है उसकी जुबान से बस यही बात निकल रही है, हर हर महादेव। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। संगम स्थल पर बने स्नान घाट के साथ शव जलाने के स्नान भी पूरी तरह से मंदाकिनी नदी में डूब गए हैं। यहाँ पर होने वाली हर रोज की शाम की आरती भी प्रभावित हो रही है। रुद्रप्रयाग में यदि बारिश इसी तरह आफत बनकर बरसती रही तो मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। पुलिस प्रशासन लगातार नदी में किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर रहा है। अनाउंसिंग के जरिए सभी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण सभी को फिलहाल सतर्क किया जा रहा है।